दोस्तों, ये जो मशीन है इसको खरीदे हुए मुझे 6 महीने हो चुके हैं। मेरे साथ ये सुख दुख का साथी है और 6 महीने से मैं इसको जबरदस्त इस्तेमाल किया हूँ। बहुत सारे चीजें ऐसी पता चली है जो कि आज बताने में भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बताना तो आपके लिए ये सब कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इसको खरीदना चाह रहे हैं, खरीदने के लिए सोच रहे हैं, आप सही वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं। बहुत काम की होने वाली है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 6 महीने का मेरा एक्सपीरियंस इस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है दीपेश कुमार, देखना शुरू कर चुके हैं टेक्नो इच्छवाकू चैनल। इस तरह के वीडियोज आपको इस चैनल पर बहुत सारे हैं और मिलेंगे भविष्य में। बिल्कुल कड़वा कड़वा सच आपको देखने को मिलेगा बिना कोई स्पॉन्सरशिप के, जो भी मैं कहता हूँ बिल्कुल ईमानदारी से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कोई सवाल पूछेगा। दोस्तों, बिना देर के वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि जब मैंने इसको खरीदा, इसके साथ मेरे पास एक और डिवाइसेस था, HP का लैपटॉप था, लेकिन इसके आने के बाद से उसका सारा जगह ये ले लिया और उसके पास मेरे लिए समय नहीं था, मैं उसको समय नहीं दे पा रहा था और कोई काम ही नहीं बचा था उसके पास करने के लिए, क्योंकि ये सारा काम कर दे रहा था और उससे बेहतर तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से कर दे रहा था। और दोस्तों, जो 1 लाख का M2 चिप के साथ MacBook Air M2 आया है, जो कि 1,06,000 10,000 का आपको बेस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, वो सारा गुण इसमें भर भर के दिया, एप्पल ने इसे फिट कर दिया है इतने कम प्राइसेस में, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स आपके लिए प्रॉब्लम्स ना लगे, लेकिन दोस्तों जरूर से एक बार इसको नोटिस किया जाए। अगर आप ले रहे हैं लॉन्ग समय के लिए, तो सबसे पहली जो चीज है वो है इसका स्टोरेज का। जी हाँ दोस्तों, ये बेस वेरियंट है 8 GB 256 GB का, और दोस्तों इसका जो 256 GB का स्टोरेज है, ये मैंने जब इसे लिया था तो मुझे लगा था कि ये काफी हो जाएगा। वीडियो एडिटिंग इसमें करना शुरू करता हूँ, खास करके आजकल द विजी रिजॉल्व, आई मूवीज और प्रीमियर प्रो यूज करने लगा हूँ। जब इसमें ये सब चीजें यूज करता हूँ तो मुझे कई बार पॉपअप आ चुका है स्टोरेज फुल का। तो लंबे समय के वीडियोस, 20 से 25 मिनट के वीडियोस में अगर एडिट करने लगता हूँ तो कई बार ऐसा आ गया है। हालांकि कोई इश्यूज नहीं है, सारे वीडियो जो भी फालतू के चीजें उसको डिलीट करके मैनेज कर लेता हूं, लेकिन दोस्तों ये आया तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दिया कि ये भी एक चीज हो जाएगा, जो कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए, जब एप्लीकेशन का साइज और बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे, 5 से 6 साल के बाद, सोच लीजिए 5 से 6 साल के बाद जो भी आपका अपडेट्स आएगा, एप्लीकेशन के साइजेज होंगे वो भी बिल्कुल ज्यादा बड़े हो जाएंगे, ज्यादा स्पेस उसको घेरेंगे, तो उस लिहाज से आपको और ज़्यादा पॉपअप देखने को मिल जाएगा। और आप वीडियो एडिटिंग के लिए देख रहे हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि दोस्तों थोड़ा विचार कीजिए और थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए। इसका जो नेक्स्ट वेरिएंट है, जैसे कि 16 GB रैम और 512 GB का SSD, उसके तरफ जा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप 8 GB के साथ 512 GB ले सकते हैं। रैम 8 GB है, जो कि काफ़ी नहीं है, बिल्कुल दोस्तों रैम 8 GB काफ़ी नहीं है। वो कैसे, पहले तो आई मूवी में मैं वीडियो एडिट करता था, जिस पर मोस्टली वीडियोज जो आप देख रहे हैं इस चैनल पर आई मूवीज में ही देखने को मिलेगी, एडिट किए हुए 4K तक की वीडियोज, कुछ प्रॉब्लम नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं प्रीमियर प्रो और द विंजी रिजॉल्व, जो कि हैवी सॉफ्टवेयर है, उस पर इस्तेमाल करना शुरू किया, तो दोस्तों रैम फुल का भी पॉपअप आ गया और बहुत धक्का लगा। प्रॉब्लम्स तो है 8 GB के साथ, और दोस्तों अगर आप ये सस्ता समझ करके इसको ले रहे हैं तो सोचिए, अगर आप 16 GB के साथ जाते हैं तो 20,000 रुपया और आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं तो मैं तो पछता रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि आगे भविष्य में क्या होगा इसके साथ, शायद मुझे इसको चेंज करना पड़ जाएगा। तो आप अभी भी सतर्क हो जाइए, अगर वेट करना है वेट कर लीजिए, और स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह जो भी है वो लगा करके आप इसका जो 16 GB का वेरिएंट है, और हो सके 512 का भी ले सकते हैं तो ले लीजिए, लेकिन SSD का क्या है, आप एक्सटर्नल लगा करके, जैसे कि आप सैमसंग का 1 TB का आप लगा सकते हैं एक्सटर्नल SSD, और उसी से सारा काम कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह बहुत फास्ट काम होता है, मैं वैसा ही करता हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन रैम को तो आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं एक्सटर्नल, इसलिए कम से कम रैम को तो जरूर 16 GB का ही लीजिए और 256 GB रहने दीजिए SSD, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, आप एक्सटर्नल लगा के कर पाइएगा। दोस्तों एक बात मैं और साफ कर दूं कि एप्पल इसको सस्ता में ला करके, समझिए कि लेमन जूस हम लोग को दे दिया है, और ये जो चाय वाली जो स्थिति है, धीरे धीरे मुफ्त में दो और फिर आदत लगा दो, और चाय की कॉस्ट इतनी हो गई है, दोस्तों मैं कहां से कहां पहुंच गया, दोस्तों एग्जांपल दे रहा था, उसी तरह से एप्पल ने ही हम सबको इतना सस्ता दिया है, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं और इसे रैम मैनेजमेंट और इसका जो SSD है, इतना काफी नहीं दिया है कि मैं खुश रहूं, और ये आपको आदत लगा देगा,
अब इसके जो M2 Pro चिप है उसके तरफ आप सोचने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इसके फीचर्स हैं ही कमाल के। आगे इसके कुछ अच्छाई की भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराई ही करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ अच्छाई भी है। तब तक आप वीडियो में बने रहिए और लाइक करते रहिए अगर नहीं किए तो। दोस्तों अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, हाई लेवल्स के आप सीरियल्स मूवीज वगैरह 4K का आप प्रोरेज वीडियोज एडिटिंग करना चाहते हैं और DaVinci Resolve प्रीमियर प्रो फाइनल कट प्रो चलाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं साफ साफ बता दूं कि ये डिवाइस की तरफ आप मत जाइए, आप इसको मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही नुकसान होने वाला है। जैसे मैं पछता रहा हूं अभी, आप भी पछताने वाले हैं, क्योंकि आपको रैम फुल और SSD स्टोरेज फुल का ऑप्शन पॉपअप आपको देखने को मिल ही जाएगा, जो कि आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा। चीज से बचने के लिए आप ये कदम तो उठा ही सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है इसके गेमिंग। दोस्तों गेमिंग के लिए आप सोच रहे हैं कि मस्त गेमिंग करूंगा, एप्पल का प्रोडक्ट है, जैसे कि आईफोन्स में करते हैं शानदार गेमिंग होती है, गेमिंग के लिए ही लोग बहुत सारे लोग मेरे पहचान में आईफोन्स लिए हैं, लेकिन इसको मत लीजिए, क्योंकि गेमिंग आप देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, आप इसको मत लीजिए। अब दोस्तों कुछ अच्छी चीजें भी हैं इसमें, वो क्या है, जैसे कि कम बजट में एक बढ़िया मास्टरपीस आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रोडक्टिविटी के लिए, बेसिक एडिटिंग के लिए देखना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे काम फास्ट तरीके से करना चाहते हैं, उस तरीके से ये बहुत बेटर डिवाइसेज है, मास्टरपीस है एप्पल के। साथ ही साथ अगर आप मूवीज देखने के शौकीन हैं, नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं, आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं, थोड़े बहुत एडिटिंग करना चाहते हैं, हल्के फुल्के गेम भी खेलना चाहते हैं, दिन रात घर में आपके बच्चे वीडियो कॉलिंग, जूम कॉलिंग ये सब करते हैं, उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं और भविष्य में कभी दिक्कत देगा भी नहीं। आप जितना इसको इनपुट दीजिएगा इतना ज्यादा आपको फास्ट तरीके से आउटपुट प्रदान करके देगा, इन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। इसके पोर्ट्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं और काम के पोर्ट्स हैं, आपको अगर ज्यादा पोर्ट्स की आवश्यकता है तो इसमें आप USB हब लगा सकते हैं, टाइप सी का, थंडरबोल्ट का 2 पोर्ट दिया गया है, यहाँ तक कि 3.5mm का जैक भी है। और इसमें सबसे अच्छी चीज है जो कि आपको मैकबुक में नहीं मिलते हैं, वो है इसमें जो फैन लगा हुआ है, यहाँ एक कूलर फैन लगा है दोस्तों, जिससे ये मिनी बिल्कुल कूल रहती है। ये कभी इसको गर्म होता हुआ मैं नहीं देखा, बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, कभी बंद भी नहीं करता हूँ 2-3 दिनों तक, फिर भी ये हॉट नहीं होती है, तो सोच लीजिए कि इस लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप बिल्कुल इसको कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको विंडोज़ की आदत है और इसमें शिफ्ट करना चाह रहे हैं, आपके मन में सवाल ये है, बहुत लोगों को भ्रांतियाँ उत्पन्न कर दिया है कि बहुत सारे ऐप जो है इसको खरीदने ही पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें भी कुछ एप्पल की तरफ से ऐप्स दिए गए हैं, जैसे कि आप विंडोज़ में MS Office का जो पैकेज है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, MS Word हो गया, इसमें ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि पावर पॉइंट के लिए कीनोट एक ऐप दिया गया है, उससे आप पावर पॉइंट का सारा काम कर सकते हैं और बहुत ही कमाल का ये ऐप है, मैंने भी कई वीडियोस में इसको इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि वर्ड के लिए आप पेजेस नाम का ऐप है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर्स नाम का जो एप्लीकेशन है आप एक्सेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेल शीट का जो भी वर्क करते हैं आप नंबर नाम के एप्लीकेशन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इनबिल्ट इंस्टॉल मिलेगा आप कर सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है खरीदने के लिए। और अगर वीडियो एडिटिंग की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें iMovie नाम का भी एक सॉफ्टवेयर दिया गया है, आप जो देख रहे हैं वो iMovies का ही एडिटिंग किया हुआ हो, क्योंकि iMovies में वीडियो एडिटिंग करना बहुत ही आसान होता है, जो लोग नहीं जानते हैं वो भी सीख जाएंगे, बहुत ज्यादा उलझाया हुआ नहीं है, जैसे कि DaVinci Resolve है उसको समझना ही दिमाग खराब करने लायक है, तो वो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं समझे तो नहीं समझिएगा, तो बहुत आसान है। तो ये चीजें दी गई है एप्पल्स में जो कि आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, खुश ही रहिएगा इसको लेने। दोस्तों इसके साथ ही साथ इसका इकोसिस्टम बेजोड़ है, जैसे कि आपके पास आईपैड है, आईफोन्स है, आप इसमें एयर ड्रॉप के जरिए वायरलेसली सारे चीजें को ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर दूसरे कमरे में फोन रखा हुआ है उस पर जो भी कॉल मैसेजेज आ रहे हैं इससे पिकअप कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि आपको उठ के जाना पड़े, कॉल पिकअप करना पड़े, सारा मैनेज करके आप दे देगा ये अगर सेम आईडी से लॉगिन करके रखते हैं। और इसके प्राइसिंग भी कमाल का है, जैसे कि आपको पता ही है 50-60 हज़ार में आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, हमेशा मिल रहा है। और दोस्तों अगर कंक्लूजन की बात कर लिया जाए ओवरऑल 6 महीने का अनुभव, तो दोस्तों जो पहले मैं बात बताया उसको छोड़ करके बाकी बहुत ही कमाल का डिवाइसेज है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो मैं पहले शुरुआती में इसके जो कुछ कॉन्स है वो बताया उसे बड़े ध्यान से देखिएगा और विचार जरूर कीजिएगा, अगर आप लेने वाले हैं तो तभी लीजिएगा। ओवरऑल ये एक मास्टरपीस तो है ही, मैं तो इसको यूज कर ही रहा हूं, बस कुछ कुछ पॉइंट्स पर, कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा सा पछतावा हो रहा है। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, 6 मंथ का रिव्यू आप जरूर बताइएगा, कोई कमी रह गई होगी तो भी कमेंट्स कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने भी हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं
कर ही दीजिएगा। इसी तरह के मैं कंटेंट अच्छे अच्छे लाते रहता हूँ आप लोग के लिए। दोस्तों आई बटन में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस मैक मिनी से रिगार्डिंग। प्लेलिस्ट पूरा का पूरा मैं बना दिया हूँ और इस तरह के वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे कनेक्टेड, बाय।